असलम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़र्स्ट लेक्चर में आज हम बात करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या है क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी तक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या थे आपको क्या पता था उसको कुछ रिवाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिकली बेसिक्स को हम इस चैप्टर में इस अपने लेक्चर में जानते हैं अगर हम कोर्स की बात करें तो ये थ्री प्लस वन क्रेडिट आर्स का कोर्स है जिसमें से थ्री क्रेडिट आर्स हमारे थ्राटिकल पोर्शन के और वन क्रेडिट आर हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की हैं और इससे इस सब्जेक्ट के प्री रेकड सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग प्री रेक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है जो कि सी प्लस प्लस के साथ आप पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक जो हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं फॉलो करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट यूनिट प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस पर रॉबर्ट लेफोर है ठीक है इसका कोई भी आप लेटेस्ट एडिशन ले लें इसके अलावा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपने बेसिकली हमने इसी बुक के चैप्टर चैप्टर वाइज इसको हमने लेकर चलना है आज हम इसी बुक से चैप्टर चैप्टर नंबर वन जो है उसकी बात करने वाले हैं इसके अलावा रेफरेंस बुक अगर आप देखें तो सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम डिटेल एंड डिटेल की जो बुक है जो आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं उसे आप एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी लेकिन हम मेनली फोकस रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस बाय रॉबर्ट लाहौर की बुक पे ठीक है और उसी को हम चैप्टर वाइज कंटिन्यू uh, करते जाएंगे और अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे अपने कोर्स कंटेंट्स को कवर करते जाएंगे अगर हम कोर्स कंटेंट्स की सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्शन है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसको भी आज ही हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे देन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं कुछ जिनको आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देख चुके हैं तो आप इस टॉपिक को हम कुछ रिवाइज़ कर लेंगे कुछ आप लोग रिवाइज करेंगे कुछ मैं आपको इसमें कुछ अगर नई एडिशन है तो मैं आपको बता दूंगी देन ऑब्जेक्ट ओरिएटेड पैराडाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मैथड है कि ऑब्जेक्ट ओरिएटेड अप्रोच के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यानी प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीका है हम उस पर बात करेंगे देन ऑब्जेक्ट रिटेड प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन प्रोसेस क्या है इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या हैं हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है एक्स्ट्रैक्शन है एक एक्सेट्रा बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे डिटेल में आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू लेंगे आज के लेक्चर में और फिर डिटेल चैप इन कॉन्टेंट्स को हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे इसके अलावा वर्चुअल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फंक्शंस um, की बहुत सी कैटेगरीज हैं जिसमें से वर्चुअल फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अलावा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स हैं वो भी हमारे इस बेसिकली uh, कोर्स का हिस्सा होंगे क्लासेस के साथ जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तब हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे इसके अलावा इनपुट आउटपुट एंड फाइल प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने अपने इस कोर्स में अपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स uh, में कवर करना है बहरहाल जी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कुछ थोड़ा सा प्रीवियस बात रिवाइज करते हैं जस्ट एक लुक लेते हैं अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में कोई भी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कैंडिजेट कोई स्पेशल Uh, जो है आपके पास कोड वर्ड्स के थ्रू कंप्यूटर से बात करनी पड़ती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में उससे बात करनी पड़ती है दैट वाज ए डिफ़िकल्ट वे ठीक है मशीन लैंग्वेज ना तो हर कोई समझ सकता ना हर कोई पढ़ सकता ना हर कोई लिख सकता है ठीक है जैसे अब हमें इसकी नहीं समझ आ रही कि इन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है लेकिन हम असेंबली लैंग्वेज में आते हैं तो असम्बली लैंग्वेज में इनको थोड़ा सा बेहतर किया गया फॉर एग्जाम्पल लोड एड एंड स्टोर असम्बली लैंग्वेज में हमने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ कर ली हैं कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए जैसे लोड का एड और स्टोर का ही हमने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम अपनी प्रॉब्लम की सॉल्विंग कराएंगे लोड बेसिकली किसको रेफ़र कर रहा है बेस पे को एड ओवर पे को और स्टोर ग्रॉस पे को लेकिन हमने बेस पे ओवर पे और ग्रॉस पे यूज़ नहीं करना हालाँकि हमारे लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है बेस पे से हमें पता चलेगा कि, कि किसी भी पर्सन की बेसिक पे क्या है ओवर पे मीनस उसने एक्स्ट्रा जो काम किया उसकी क्या पे मिली उसे और ग्रॉस पे बेस पे प्लस ओवर पे को ऐड करके उसकी ग्रॉस यानी टोटल पे निकलती है ठीक है तो असम्बली लैंग्वेज में इसके लिए हम लोड ऐड एंड स्टोर का हमने यानी स्पेसिफ़िक आप कह लें जी कोई वर्ड्स हम इसमें से इसमें सिंबल्स यूज कर लेते हैं जिसकी मदद मतलब से हम अपने प्रोग्राम्स को राइट करते हैं यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आए तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम अपनी आम लैंग्वेज में बात करते हैं आम लैंग्वेज में जो हमें चीज़ समझ आती है कि ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेस पे प्लस ओवर टाइम पे तो हमने एग्जैक्टली exactly वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है जिसके साथ हम इजीली बेसिकली काम कर सकते हैं अब हमें पता है ग्रॉस पे बेस पे और ओवर टाइम पे के इक्वल है ये हमारे लिए भी ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है लेकिन क्या ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है नहीं क्या ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है कुछ हद हाँ तक हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं क्या ये आपके पास कोड वर्ड्स जो हैं ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं हाँ जी अगर ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो कंप्यूटर इन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा बट वट अबाउट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज हम जानते हैं जी इन लैंग्वेजेस के साथ हम क्या करते हैं क्योंकि देखें हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यूज़ के हिसाब से देखें तो हम कभी भी मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को भी इवन प्रेफर नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए बल्कि हम प्रेफ़र करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करना अब हाई लेवल लैंग्वेज हमें तो समझ आती है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आती तो कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास दो मेन कैटेगरीज भी यही बनती हैं लो लेवल लैंग्वेज जिसमें मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज आती है और सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं लेकिन बाद में उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाता है उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स में असम्बलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर आते हैं ठीक है जिसमें से असम्बलर स्पेसिफ़िकली आपकी असम्बली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है जबकि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है रिटर्न इनटू अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी यही काम है कि ये भी ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में फिर दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क ये है आपके पास कंपाइलर एज़ अ होल पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में जबकि इंटरप्रेटर वन बाय वन एक-एक इंस्ट्रक्शन को करके आ, जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ठीक है तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम क्यों, जो है वो स्लोर होते हैं क्यों क्योंकि कंपाइटर प्रोग्राम जो है वो फास्टर काम कर लेता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके आ, ट्रांसलेट करके जबकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन uh, का पहले एक लाइन ट्रांसलेट करता है वेट करता है फिर सेकंड लाइन ट्रांसलेट करता है थर्ड लाइन ट्रांसलेट करता है इसलिए इंटरप्रेटर को ज़्यादा टाइम लगता है ट्रांसलेशन करने में बहरहाल जी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपायर इंटरप्रेटर दो ट्रांसलेटर्स हैं इसके अलावा इसम्लेटर स्पेसिफिकली इसम्बली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में सॉरी यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं कुछ को हम इंटरप्रेटेड कहते हैं ठीक है कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जैसे कि जावा जिसको पहले कंपाइल किया जाता है और फिर इंटरप्रेट भी किया जाता है एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए ठीक है जी कि ऐसी लैंग्वेज जिसे कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों जिसके ऊपर ट्रांसलेटर काम करते हैं वो एक्चुअली जावा लैंग्वेज है अगर हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टिपिकल डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट देखें उसका तरीका देखें तो उसकी जो फेजेस जो हैं वो सी प्लस प्रोग्राम की डेवलपमेंट uh, की उसके बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को एडिट करते हैं कंपोज करते हैं ठीक है अब एडिटर जो है हमारा वो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है यानी जब तक हम प्रोग्राम एडिट कर रहे होते हैं राइट कर रहे होते हैं तब तो तक हार्ड डिस्क में वो प्रोग्राम होता है देन प्री प्रोसेस के लिए प्री प्रोसेसिंग उसके ऊपर होती है प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो यानी प्रोसेसिंग से पहले जो भी आपके पास प्रोसेस के साथ अटैचमेंट्स या प्रोसेस के साथ आप कह लें जी उसकी प्रोसेसिंग के लिए नेसेसरी जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाते हैं प्री प्रोसेस स्टेप में देन कंपाइल के स्टेप में आपके पास प्रोग्राम को कन्वर्ट um, किया जाता है ट्रांसलेट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ठीक है वो भी डिस्क वहाँ पर भी वहाँ तक भी हमारे पास प्रोग्राम जो है वो डिस्क में होता है ठीक है उसके बाद लिंकिंग की जाती है लिंक उसके साथ किया जाता है जो भी उसको एक्स्ट्रा फाइल्स इनपुट आउटपुट डाटा फाइल्स चाहिए हैं वो सारी फ़ाइल्स को लाइब्रेरी फ़ाइल्स को उस प्रोग्राम के साथ अटैच किया जाता है लिंकिंग भी आपके पास डिस्क के लेवल पे होती है फिर लोड किया जाता है प्रोग्राम को लोड किया जाता है कहाँ से फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी क्योंकि हमें पता है जी अगर हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में मौजूद होना उसका ज़रूरी है तो फिर लोडिंग के टाइम पे डिस्क से प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है मेन मेमोरी में ठीक है जी आ, डिस्क लोडर को देता है लोडर जो मेन मेमोरी में, 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 में प्रोग्राम को लोड कर देता है और उसके बाद क्या होता है हमारे पास लोड लोडर जो है उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, में उसके बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आता है जिसमें सीपीयू जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके तो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है ठीक है जी ये एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखने का टिपिकल मेथड ये है सी प्लस प्लस प्रोग्राम की डेवलपमेंट का तरीका ठीक है अगर हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की डेवलपमेंट देखें तो उसके भी फेजेस यही रहेंगे बस उसको लिखने का तरीका हमारे पास मुख्तलिफ हो जाएगा कैसे मुख्तलिफ हो जाएगा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेन्टेड पैराडाइम में ज़रा हम इस बात को डिस्कस करते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को देखते हैं तो इनको पढ़ते पढ़ते एक्चुअली हमें एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेटेड प्रोग्रामिंग मिलती है यानी हमें रीज़न मिलता है जब हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करते करते हमें ऐट दी एंड ये समझ आएगी कि हमें पहले से मौजूद प्रोग्रामिंग के मेथड्स को छोड़ के ऑबजेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग पे क्यों स्विच करना पड़ा ठीक है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे लिए अभी तक हमने जब तक इसे यूज़ नहीं किया हमारे लिए एक नया तरीका है प्रोग्राम को राइट करने का प्रोग्राम को लिखने का ठीक है जी इससे पहले हम प्रोग्राम कैसे राइट करते थे उसे देखते हैं और उन प्रोग्राम्स के साथ उन प्रोग्राम्स को लिखने में या उन प्रोग्राम्स को बनाने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ultimately हमें हमें समझ आ जाएगी कि ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थे unstructured programming क्या थी सिर्फ हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक मेन प्रोग्राम होता था ठीक है एक मेन पार्ट होता था मेन फंक्शन मेन का फंक्शन होता था और मेन के फंक्शन के अंदर ही हम सीक्वेंस में कमांड्स या स्टेटमेंट्स लिख देते थे ठीक है जो कि ग्लोबल है थ्रू आउट द होल प्रोग्राम यानी जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो सारे के सारा प्रोग्राम कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं पे भी कोई भी पार्ट उसका यूज़ किया जा सकता है यानी पूरे का पूरा प्रोग्राम जितनी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है दस बीस तीस चालीस पचास हंड्रेड थाउजेंड मिलियन जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें एक सीक्वेंस में जस्ट राइट कर दिया जाता था एक ही मेन का फंक्शन था ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ठीक है जी और मेन uh, प्रोग्राम ही ओवरऑल पूरे के पूरे uh, आपके पीस ऑफ कोड को कंटेन कर रहा था आर प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो ट्रमेंडस डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड करती है कैसे वंस द प्रोग्राम गेट्स सफिशेंटली लार्ज जैसे जैसे हमारे पास जब तक तो हमारे पास मेन प्रोग्राम के अंदर पाँच छः सात आठ इंस्ट्रक्शन होंगी उन्हें मैनेज करना उन्हें एडिट करना उनमें अगर कोई एरर आ गया उसे करेक्ट करना उन्हें कंपाइल और एग्जीक्यूट करना आसान था लेकिन जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्राम का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास उसको मैनेज करना अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में मुश्किल होता जा रहा था ठीक है देखिए जी आपके पास दस बीस पचास सौ तक इंस्ट्रक्शन है तो समझ आती है हम उसका सीक्वेंस भी मेंटेन कर लें किसी इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ गया हम वहाँ पे जाकर उसे करेक्ट भी कर लें ठीक है जी कोई एरर आ गया उसे भी हैंडल कर लें ठीक है बाघ वगैरह या कुछ भी हमारे पास हमने उसको री अरेंज करना है रीअरेंज भी किया जिसका लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएंगी जैसे हंड्रेड से टू हंड्रेड थाउजेंड तक आपके पास इंस्ट्रक्शन चलेगी या फिर इतने लंबे पीस ऑफ कोड में हमें किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करना उसे डीबक करना या फिर उसे निकालना या फिर नई इंस्ट्रक्शन को किसी सीक्वेंस के अंदर किसी जगह पे जाके प्लेस करना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था फॉर एग्जांपल इफ सेम स्टेटमेंट सीक्वेंस इज नी रेड डिफरेंट लोकेशन विद इन द प्रोग्राम द सीक्वेंस मस्ट बी कॉपी यानी कि वो हमारे पास सीक्वेंस को हमें मेंटेन रखना फिर यहाँ पे मुश्किल हो रहा था जैसे कि किसी स्टेटमेंट को निकालना या डालना या चेंज करना या डिबक करना ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे थे दिस हैज लीड टू द आरिया ऑफ़ एक्सट्रैक्टिंग दीज सीक्वेंसेस, ठीक है जी उससे फिर हमारे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस को याद रखने के लिए सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ और मेथड यूज़ करें जिसमें हम सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर लें हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में से नेमिंग दैम उन्हें एक खास नाम दे दिया जाए एंड ऑफरिंग अ टेक्निक टू कॉल एंड रिटर्न फ्रॉम दीज प्रोसीजर्स तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से हमारे पास हम स्विच किए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरफ या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तरफ जिसमें हमने क्या किया जिसमें हमने ये किया कि हमने मेन प्रोग्राम uh, के मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास मल्टीपल uh, सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कि हमने बेसिकली कुछ नंबर ऑफ लाइंस को कंबाइन करके एक प्रोसीजर का नाम दे दिया ठीक है हमने क्या किया कम्बाइंड रिटर्निंग सीक्स ऑफ स्टेटमेंट इनटू सिंगल पीस प्रोसीजर कॉल और एक प्रोसीजर कॉल के थ्रू हम उस प्रोसीजर को इन्वोव करते और जो भी उसका रिजल्ट आता आफ्टर सीक्वेंस इज प्रोसेस्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोसीड्स राइट आफ्टर द पोजीशन वेयर द कॉल वॉज मेड तो फिर जब वहाँ पर जाके हमारा कंट्रोल वापस आता जहाँ से कॉल आई थी यानी कि बेसिकली कुछ इस तरह से प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या किया प्रोसीजर या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने, हमने हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी उनके अंदर एक सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए जो एक तरह की इंस्ट्रक्शंस थी जो एक ही सीक्वेंस से बिलोंग करती थी उन्हें हमने इकट्ठा करके एक प्रोसीजर का नाम दे दिया ठीक है हमने क्या किया हमने कलेक्ट किया कंबाइन किया कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और हमने हमने प्रोसीजर का या जिसे हम फंक्शन बोलते हैं उसका हमने नाम दे दिया अब हमारे पास मेन uh, प्रोग्राम को इन प्रोसीजर्स को मैनेज करना मेन प्रोग्राम के लिए आसान हो गया क्योंकि वो एक प्रोसीजर को कॉल करेगा ठीक है जी <coughs> उसकी तरफ से जो भी आउटपुट आता है वो उस आउटपुट को मेन प्रोग्राम को वापस किया जाएगा क्योंकि जहाँ से प्रोसीजर कॉल आती है प्रोसीजर एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वहीं पे वापस जाता है ठीक इस है इसी तरह प्रोसीजर टू प्रोसीजर थी हैं अप टू तो सोन जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं थाउजेंड इंस्ट्रक्शन हैं उसके आपके पास ट्वेंटी बनते हैं फिफ्टी बनते हैं हंड्रेड प्रोसीजर्स बनते हैं हम जितने भी प्रोसीजर्स बन सकते हैं हमने एक जैसी जो स्टेटमेंट्स थी जिनका सीक्वेंस एक दूसरे के साथ अटैच था जुड़ा हुआ था हमने उन लाइंस ऑफ कोड को इकट्ठा करके प्रोसीजर्स का नाम दे दिया या फिर फंक्शंस का नाम दे दिया इससे क्या इं, इं, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीटर्स एज वेल एज प्रोसीजर्स ऑफ प्रोसीजर्स मीन्स आ प्रोसीजर्स प्रोग्राम कैन नाउ बी रिटर्न मोर स्ट्रक्चर्ड एंड एरर फ्री अब हमारे पास एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रोग्राम बन गया जिसके अंदर हमें कोई एक शेप एक फ्लो नज़र आ रहा है एक सीक्वेंस नज़र आ रहा था कि ये स्ट्रक्चर वन है ये प्रोसीजर वन है ये प्रोसीजर टू है ये प्रोसीजर थ्री है इसके अंदर इतनी लाइन्स ऑफ कोड हैं अगर किसी एक प्रोसीजर में प्रोसीजर एन में किसी भी लाइन एन पे एरर आता है तो हम ईज़िली उस प्रोसीजर के अंदर जाके उस स्पेसिफ़िक लाइन को फाइंड आउट करके उसे करेक्ट कर सकते या नया नए नया कोड ऐड कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इजीली ठीक है मैनेज करना अब हमारे लिए आसान हो गया जब हम हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तरफ आए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर नाउ वी हैव अ सिंगल प्रोग्राम व्हिच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्रोसीजर्स टू इनेबल यूसेज ऑफ जनरल प्रोसीजर्स और ग्रुप्स ऑफ प्रोसीजर्स आल्सो इन द अदर प्रोग्राम दे मस्ट बी सेपरेटली अवेलेबल अब नेक्स्ट मैं पास गोल क्या था हमने प्रोसीजर्स तो बना लिए लेकिन ये प्रोसीजर्स सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं इसी प्रोग्राम का ये पार्ट हो सकते थे इसके अलावा ये किसी भी कहीं और हम इनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे या फिर हम इनको कोई हमने अभी तक इनको आइडेंटिफिकेशन या टैग नहीं दिया था ठीक है हमने बस ये कह दिया हमारे पास हमने पहली पाँच लाइन्स को उठाया उनका प्रोसीजर वन बना दिया अगले हमने कोर्ट के अंदर से दस लाइन्स उठाएं प्रोसीजर टू बन गया अगली पंद्रह उठाई प्रोसीजर थ्री थ्री बन गया लेकिन अगर इनमें से कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स इस एक प्रोग्राम के अंदर ही यूज हो सकते हैं अगर हम इन्हें जर्नल पर्पज बनाना चाहते हैं जर्नल प्रोसीजर्स बनाना चाहते हैं तो फिर हम हमें क्या करना था हमें इनको ग्रुप करके एक जैसे प्रोसीजर्स को इकट्ठा करना था फ़ॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइंस ऑफ़ कोड जो है वो फाइल राइट करने वाली हैं कुछ लाइन ऑफ कोड फाइल रीड करने वाली हैं कुछ लाइन ऑफ कोड का काम है किसी फाइल को क्रिएट करना कुछ का काम है फाइल को डिलीट करना अब उसके लिए अगर हमारे पास फाइल को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं प्रोग्राम के अंदर वो हमने तीन प्रोसीजर्स बनाए हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं अब अगर हम वही फाइल क्रिएशन का कोड जो है किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास पॉसिबल नहीं था इसी तरह फाइल करिए रीड करने राइट करने के पांच पांच फंक्शंस हैं पांच पांच प्रोसीजर्स हैं उन सारे प्रोसीजर्स को हम किसी और प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमने क्या किया हम पास, हमारे पास नेक्स्ट हमारे माइंड में आया कि क्यों ना हम इन प्रोसीजर्स को ग्रुप करके मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिफ़ाइन uh, कर दें मॉड्यूल्स में हम इनको डिवाइड कर दें यानी एक जैसे प्रोसीजर्स को इकट्ठा करके हमने क्या किया हमने मॉड्यूल्स बना बना दिया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ द कंसर्न्ड विद द सब डिवीजन ऑफ प्रोग्रामिंग टू मैनेजेबल चंक्स अब मैनेजेबल पार्ट्स में बस प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें इकट्ठा करके हमने क्या कर दिया मॉड्यूल्स बना दिए जैसे कि मॉड्यूल वन के अंदर प्रोसीजर वन आ गया मॉड्यूल टू के अंदर प्रोसीजर टू आ गया और थ्री आ गया ठीक है और मॉड्यूल वन जो है वो डाटा वन मॉड्यूल वन के पास डाटा वन है इसके वो उसका स्पेसिफ़िक प्रोसीजर का डाटा है लोकल डाटा है इसके अलावा मॉड्यूल वन जो है वो ग्लोबल डाटा जो मेन प्रोग्राम का है उससे भी यूज़ कर रहा है इसी तरह मॉड्यूल टू डाटा टू यूज़ कर रहा है जो कि प्रोसीजर टू एंड थ्री से स्पेसिफ़िक है यानी लोकल है और डाटा जो जर्नल मेन प्रोग्राम का डाटा है उससे भी यूज़ कर रहा है अब हर मॉड्यूल का अपना भी डाटा है और इसके अलावा वो मेन जो आपके पास ग्लोबल uh, डाटा है उसे भी एक्सेस कर रहा है और साथ ही साथ अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़ाइल क्रिएट का मॉड्यूल बन गया तो अब हम इस फाइल क्रिएट के मॉड्यूल को इस प्रोग्राम के अलावा किसी भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवे प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह अगर मॉड्यूल टू का मॉड्यूल uh, टू जो हमारे पास फाइल रीड करने वाला मॉड्यूल है तो ये फाइल रीड करने वाले पूरे के पूरे मॉड्यूल को जिसमें दो प्रोसीजर्स हैं उस प्रो, पूरे मॉड्यूल को हम किसी दूसरे या तीसरे या चौथे या पाँचवें प्रोग्राम के अंदर एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं सो so बेसिकली हमारे पास हम आहिस्ता आहिस्ते ग्रेजुअली बेटर से बेटर अप्रोच की तरफ़ गए अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा मैथ्स था बहुत ज़्यादा ह्यूज लाइन ऑफ कोड देन उनको मैनेज करना उन्हें सेपरेटली अंडरस्टैंड करना ऑपरेट करना दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फिर हमने उससे बेटर अप्रोच की तरफ गए हमने अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड में चेंज किया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने प्रोसीजर्स बना लिए इन्हीं प्रोग्राम के ऑफ uh, कोड को हमने प्रोसीजर्स uh, में डिवाइड कर लिया अब उसको और बेटर बनाने के लिए एक जैसे प्रोसीजर्स को एक करके हमने मॉड्यूल्स बना लिए ठीक है जी लेकिन यहां पर भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर रह गई अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर जो तीनों के अंदर कंपैरिजन है वो हमारे सामने नजर आ रहा है अनस्ट्रक्चर्ड में सारा प्रोग्राम मेन सारा का सारा डाटा मेन प्रोग्राम यानी सारा जो भी प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम के अंदर ही है मेन फंक्शन के अंदर ही है प्रोसीजर के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया प्रोसीजर्स में और मॉड्यूल के अंदर हमने प्रोसीजर्स को इकट्ठा करके मॉड्यूल बना दिया ठीक है।, है जी यही तीनों का कम्पेरिजन है लेकिन अभी भी हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर भी जहाँ पर हमने स्ट्रक्चरिंग भी कर ली और ग्रुपिंग भी कर ली वहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स रह गए जैसे कि कौन से प्रॉब्लम्स थे डाटा एंड कोड दैट ऑपरेट ऑन दिस डाटा आर नॉट टाइटली कपल्ड यानी कि बेसिकली डाटा और कोड जो कि हमारे पास दोनों ही नसासरी होते हैं किसी भी एक मॉड्यूल का पार्ट होते हैं वो टाइटली कपल नहीं थे यानी आपस में वो जुड़े हुए नहीं थे डाटा इज जनरली मेड ग्लोबली एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शंस इन एडवेंट चेंजेस टू डाटा में अगर अब डेटा की एक्सेस का एक्चुअली हमारे पास प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम कहाँ पर आया प्रॉब्लम आया डाटा की डाटा के ऊपर एक्सेस का देखें जी जैसे प्रोग्राम लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर भी या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे पास जितना मर्जी हमने स्ट्रक्चरिंग प्रोसीजरिंग की प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी मर्जी हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की हो फिर भी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास डेटा के यूज़ डाटा के लोकल एंड ग्लोबल एक्सेस के ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम आता जाता है यहाँ पे जो ग्लोबल डाटा है और यहाँ पे लोकल डाटा है अब ये वाला ग्लोबल डाटा भी मॉड्यूल वन यूज़ कर रहा है मॉड्यूल टू भी यही ग्लोबल डाटा यूज़ कर रहा है मॉड्यूल वन डाटा के अंदर कोई चेंजेस कर देता है और मॉड्यूल टू को नहीं पता चलता और मॉड्यूल टू डाटा के अंदर कोई चेंजेस कर देता है और मॉड्यूल वन को नहीं पता चलता तो अल्टीमेटली हमारे पास Hmm, क्या आता है जी इन एडवेंट चेंजेस आते हैं डाटा के अंदर यानी कि हमें किसी एक पार्ट को हमारे प्रोग्राम के पता होता है कि क्या डाटा के अंदर चेंज आया है बल्कि जबकि बाकी सारे अदर मॉड्यूल्स को नहीं पता होता तो अल्टीमेटली हमारे पास डाटा जो है वो गलत तरीके से अपडेट होता है देखें जी जैसे कि हमारे पास Uh, अगर हम प्रॉब्लम्स इसकी हाईलाइट करने लगे हैं प्रोसीजर या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अप्रोच की तो हमारे पास मेनली दो प्रॉब्लम्स आती हैं एक तो हमारे पास अनरस्ट्रिक्टड एक्सेस की प्रॉब्लम आती है जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जब लोकल एंड ग्लोबल डाटा के ऊपर एक्सेस की हम बात करते हैं तो अगर सारे मॉड्यूल्स को ग्लोबल डाटा के ऊपर एक्सेस है जो कि मेन प्रोग्राम का डाटा है इसके अलावा उनके पास अपना अपना डाटा भी है डाटा वन डाटा टू एंड अपू सो ऑन तो जब वो ग्लोबल डाटा के अंदर चेंजेस करते हैं तो अल्टीमेटली वो चेंजेस जब तक सारे के सारे मॉड्यूल्स के पास नहीं पहुँचते तब तक हमारे पास डाटा करेक्टली जो है अपडेट नहीं होता और हमारे पास आते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी डाटा की हमारे पास क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं जी इंटेग्रिटी हमारे डाटा की खराब हो जाती है किसी के पास कोई डाटा है फॉर एग्जांपल एक मेन प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल ए है ठीक है जी और उस वेरिएबल ए को मोड्यूल वन ने यूज़ करके वेरिएबल ए में टेन की बजाय ट्वेंटी रखवाया ठीक है अब जब मॉड्यूल टू उसे यूज़ करता है तो वो उस डाटा को उसे ओरिजिनल फॉर्म में यानी टेन ही चाहिए था लेकिन ट्वेंटी चेंज हो गया है या ट्वेंटी चेंज हो रहा है या उसे ओरिजिनल चाहिए है तो भी अगर तो मॉड्यूल वन अभी चेंज कर रहा है या चेंज कर चुका है तो उसे गलत वैल्यू मिलेगी और अगर उसे चेंज्ड वैल्यू चाहिए तो फिर उसको मॉड्यूल वन से मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या था हमारे पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह था कि लोकल एंड ग्लोबल डाटा को टाइटली कपल नहीं किया गया था उनके दरमियान हमारे पास ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं थी कि एक जगह चेंज करें तो बाकी सारी जगह भी चेंजेस इंप्लीमेंट हों क्योंकि हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये क्या था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी डाटा के ऊपर यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लगाई कोई भी कहीं पे भी किसी भी लोकल ग्लोबल डाटा को यूज़ करके उस किसी भी तरह के चेंजेस मेड चेंज़ेस क्रिएट कर सकता था जिसकी वजह से हमारे पास हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि इसमें जी आपके पास प्रोसीजरल या फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर इवन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर भी ठीक है इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो आया दैट वॉज The second problem was uh... दैट hmm, uh, के हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग बिल्कुल भी नहीं थी बहुत ही पूर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मींस एक्चुअल वर्ल्ड के साथ रिलेट करके प्रोग्राम्स को नहीं लिखा जा रहा था बस ऐसे ही था सब कुछ कुछ जो है ना वो हवाई बातें एंड ऑल कुछ भी रियल वर्ल्ड से उसकी का उसकी कनेक्शन um, नहीं हमें मिल रहा था वो भी एक प्रॉब्लम था प्रोग्राम को राइट करने में ठीक है जी तो पहले हम अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस को देखते हैं देखें जी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये ग्लोबल डाटा है ये फंक्शन ए भी उसे यूज़ कर रहा है ठीक है और वो चेंज करता है किसी एक वेरिएबल में और फंक्शन टू फंक्शन बी ने भी उसी डाटा को यूज़ करना है अब उसे चेंज मिलता है या पहले वाला मिलता है अब अगर एक्सेस दोनों की एक जैसी है तो अल्टीमेटली कोई भी चेंज करके डाटा के अंदर डाटा की इंटेग्रेट डाटा की जो वो एक्चुअल वैल्यू है औरजिनल डाटा है उसे वो डिस्टर्ब कर सकता है ठीक है जी यहाँ पर भी देखें आपके पास ये मल्टीपल फंक्शंस हैं ये सारे के सारे इस ग्लोबल डाटा को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर रहे हैं एक बहुत लार्ज प्रोग्राम के अंदर हम जब जाएंगे तो हमारे पास जारी बात है फंक्शंस प्रोसीजर्स की तादाद बढ़ती जाएगी और फिर उनकी एक्सेस भी बढ़ती जाएगी यानी हर प्रोसीजर को हर फंक्शन को ग्लोबल डाटा भी चाहिए हर प्रोसीजर हर फंक्शन की जब हम ये देखें एक्सेस ज़रा देखें ये जो लाइन्स हैं हमें ये बता रही हैं कि कितनी मैसिव जो है वो एक एक्सेस की रिक्वेस्ट यहाँ पे मूव कर रही होती हैं ये वाले फंक्शन ने भी ग्लोबल डाटा वन को भी यूज़ किया ग्लोबल डाटा थ्री को भी यूज़ किया ग्लोबल डाटा फंक्शन टू ने ग्लोबल डाटा वन और टू के लिए रिक्वेस्ट की हुई है फंक्शन थ्री ने आपके पास किसी ग्लोबल डाटा वन के लिए ग्लोबल डाटा थ्री के लिए रिक्वेस्ट की हुई है फंक्शन फोर ने आपके पास ग्लोबल डाटा थ्री uh, के लिए रिक्वेस्ट की यानी एक मैसिव रिक्वेस्ट बन जाती है और अल्टीमेटली कौन सा फंक्शन कौन से ग्लोबल डाटा में क्या चेंजेस करेगा और वो चेंज डाटा किस तरह से आपके पास फंक्शंस के पास uh, सारे फंक्शंस को पता चलेगी वो हमारे पास प्रॉपरली मैनेज नहीं था रीज़न ये था कि हमारे पास डाटा uh, और जो आपके पास कोड था जो उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा था जो उससे यूज़ कर रहा था डाटा को यूज़ करने वाला कोड वो टाइटली कपल नहीं थे यानी कोड कहीं और का है और डाटा लोकल है आपके पास डाटा ग्लोबल है तो अल्टीमेटली हमारे पास आन, uh, प्रिकसेस से डेटा में बहुत से अन आ, आ, जो है इन एविडेंट इन एडवर्टन सॉरी इन एडवर्टन एडवर्टन चेंजेस जो है वो डेटा के अंदर बहुत से आ रहे थे ठीक है दैट इज व्हाई हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को तो हमने किया जी अवॉइड किया दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे पास आने स्ट्रक्चर रिस्र, प्रोग्रामिंग के साथ आया दैट वाज रियल वर्ल्ड मॉडलिंग रियल वर्ल्ड मॉडलिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास होनी चाहिए हमारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के अंदर लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में या फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास प्रॉपर हमारे पास बिल्कुल भी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग या फिर कहें बहुत ही पुअर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थी इसका रीज़न ये था कि हमने जो प्रोग्रामिंग की थी वो समझ लें जी बस हमने जो है किसी भी रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट्स को लेके रियल वर्ड की एंटिटीज़ को लेके उसकी बेस पर हमने प्रोग्रामिंग नहीं की बल्कि हमने ऐसे ही प्रोग्राम्स लाइंस ऑफ कोड लिखती हुई थी जबकि जब हम जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की तरफ जाते जाएँ वहाँ पर अगर हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग नहीं करते तो अल्टीमेटली जो हमारे पास चीज़ों को मैनेज करना प्रोग्राम्स को कंपोज करना बनाना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है ठीक है सो so, एक प्रॉपर एक बेटर एक जो है एक्सेलेंट प्रोग्रामिंग वही है जिसके अंदर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मौजूद हो जैसे कि हम फिज़िकल वर्ल्ड को देखें देखिए अगर हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम कहाँ से लिख रहे हैं हम अपनी अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना डेटा वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पहुंचाने के लिए क्यों ना हम रियल वर्ल्ड से ही जो है ले डाटा वहीं से ले हम वैल्यूज़ वहीं से ले हम सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हम पास करें अपने प्रोग्राम को तो तब तो तो चीज़ों को समझना अंडरस्टैंड करना मैनेज करना गेट करना डीबक करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा जैसे कि हम अगर एक प्रोग्राम बना रहे हैं एक कार की स्पीड को चेक करने वाला कार की स्पीड वेलोसिटी, उसका स्पीडोमीटर के अलावा उसका जो है वो गेयर मीटर उसका फ्यूल मीटर एंड एक्सेट्रा यानी एक ऑटोमेटेड कार के अंदर बहुत से हमें ऐसे फंक्शन नज़र आते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं ऑटोमेटेड मींस कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू रन हो रहे होते हैं तो अगर हम एक कार के लिए बहुत से प्रोग्राम बहुत से जो है ना वो फंक्शंस के लिए उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक कोड लिख रहे हैं तो क्यों ना हम कार के साथ ही उसे रिलेट करके लिखें यानी हम कार को देखें कार के करेक्टरिस्टिक्स को कार के जो भी फीचर्स हैं कार की जो भी वर्किंग है उसके मुताबिक अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे लिए उसको समझना आसान होगा इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स की फ़ी कैलकुलेट करने वाला स्टूडेंट्स के ग्रेड कैलकुलेट करने वाला कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्यों ना हम उसको स्टूडेंट के साथ ही रिलेट करके बनाएं कि हम स्टूडेंट को एज़ अ मेन पार्ट उसका बनाएं और फिर स्टूडेंट की आईडी नेम रोल नंबर लेके स्टूडेंट का जो है वो स्टेटस लेके उसके मार्क्स लेके हम उसका सी जी पी उसका रिजल्ट कैलकुलेट करें तो एक्चुअली हमारे पास जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ये हवाई या हलाई होते भी नहीं ये होती रियल वर्ड से ही इंफॉर्मेशन है तो क्यों ना हम उसे रियल वर्ड के साथ अटैच करें एसोसिएट करें यानी कि हम रियल वर्ड से ऑब्जेक्ट्स उठाएँ और उन ऑब्जेक्ट्स की बेस पर हम प्रोग्रामिंग करें अब ऑब्जेक्ट क्या होता है क्वेश्चन इज दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम पढ़ने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ड एंटिटी है ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और वो कुछ बिहेवियर्स रखता है एट्रीब्यूट्स कह लें जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ क्वालिटीज़ हैं और बिहेवियर्स जो कुछ फंक्शनैलिटीज रखता है जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं वी आर ऑब्जेक्ट्स वी आर ह्यूमन बींग्स वी हैव सम करेक्टरिस्टिक्स वी हैव वी हैव कलर हाइट एज Then uh, um, uh, name and etc. And we also have some characteristics, as uh, uh, we also have some functionalities. Uh, characteristics. Ke lava lava फंक्शनैलिटीज़ भी हैं जैसे कि हम जागते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं खेलते हैं ये एक्सरसाइज करते हैं ये सारे के सारे हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं ठीक है जी अगर हम आप अपनी सराउंडिंग में बैठ के देखते हैं तो आपको अपने रियल वर्ल्ड में जहाँ पर आप बैठ के फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर ले रहे हैं ठीक है ये इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन या आपके हाथ में जो लैपटॉप है वो भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी भी कुछ फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं और कुछ बिहेवियर नज़र आ रहा है उसका यानी उसका कोई ना कोई कलर है कोई ना कोई शेप है कोई ना कोई नंबर ऑफ बटन है कोई उसका डिस्प्ले है देन उसके फीचर्स के अलावा उसके एट्रीब्यूट्स के अलावा उसके फंक्शंस ये हैं कि आप उसको यूज़ करके लेक्चर को सुन रहे हैं या अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द हर चीज़ इवन आपने अगर एक पेंसिल एक पेन पकड़ा हुआ है आप चेयर पर बैठे हुए हैं आपके सामने टेबल है टेबल लैंप है बुक्स हैं बुक शेल्फ है आपके पास कबर्ड है आपके रूम में आप अपने रूम में देखते हैं जी आपको बेड मिलता है एयर कंडीशनर कारपेट ईच एंड एवरी जो भी आपके रूम में आपको किसी भी चीज़ को देखो तो उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ ना कुछ बिहेवियर है यानी हर एक की कोई ना कोई क्वालिटीज कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं और हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई करेक्ट uh, फंक्शनैलिटी uh, uh, रखता है कोई ना कोई वो काम कर सकता है ठीक है जी कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जिसके करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स ना हों यानी जिसकी क्वालिटीज uh, और फंक्शनैलिटीज़ या जिसका डाटा और फंक्शंस ना हो ठीक है जी तो बेसिकली हम अगर रियल वर्ड को माइंड में रखते हुए प्रोग्रामिंग करें तो, तो दैट विल बी अ मोर बेटर सोल्यूशन इसके अलावा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूरे तौर पर हल हो जाता है क्यों क्योंकि अब हमारे पास डेटा रिलेट करता है ऑब्जेक्ट्स के साथ ठीक है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डाटा और उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फंक्शंस यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स डाटा और फंक्शंस यानी बिहेवियर्स होते हैं तो फिर वही ऑब्जेक्ट जब उसको अपडेट करता है तो अल्टीमेटली हमारे पास अनस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का प्रॉब्लम खुद बहुत सॉल्व हो जाता है और साथ ही साथ हमें रियल वर्ल्ड मॉडलिंग भी मिल जाती है जो कि ज़्यादा क्लोज़ है रियल वर्ल्ड से जिसके थ्रू हम ईज़िली अपनी प्रॉब्लम को अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं और इजीली हम अपने प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं अगर हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की तरफ जाते हैं ठीक है जी सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम हमने क्या किया अब हमने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर ऑब्जेक्ट के साथ उसके डाटा को अटैच कर दिया अब हर ऑब्जेक्ट अपने स्पेसिफिक डाटा के अंदर चेंज करेगा और वो डाटा अगर वो चाहे शेयर करना या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चाहिए हो तो वो उससे शेयर करेगा अदरवाइज नहीं फॉर एग्जांपल अगर हम एक आ, अपने कॉलेज में देखते हैं तो कॉलेज में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट टीचर इज एन ऑब्जेक्ट क्लर्क इज एन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल इज एन ऑब्जेक्ट ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट वन स्टूडेंट है स्टूडेंट के कुछ स्पेसिफिक डाटा है नेम है आईडी है रोल नंबर है क्लास है सब्जेक्ट है ठीक है टीचर है टीचर का स्पेसिफ़िक नेम है उसका सब्जेक्ट है उसके कोर्सेज़ हैं जो उसने पढ़ाने हैं फिर क्लर्क है क्लर्क के स्पेसिफिक फीचर्स हैं कि वो कौन कौन से क्लर्क uh, का कोई नाम है कोई रैंक है क्लर्क कोई काम करता है स्पेसिफ़िक यानी उसका काम है फ़ी कलेक्शन करना या रिज़ल्ट को मैनेज करना फिर प्रिंसिपल है जिसके नाम है रेजिग्नेशन है रोल है और उसके वो ओवरऑल उसका जो है सारे के सारे फंक्शंस को डील करना मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करना उसका काम है तो अब इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट के पास उसका सारा डाटा होगा टीचर के पास उसका सारा डाटा होगा क्लर्क के पास उसका सारा डाटा और प्रिंसिपल के पास उसका सारा डाटा होगा हर ऑब्जेक्ट अपने-अपने डाटा के अंदर चेंजेस करेगा अल्टीमेटली अगर टीचर को स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट से जाके रिक्वेस्ट करेगा अगर स्टूडेंट को टीचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टीचर वाले ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट करेगा इसी तरह अगर क्लर्क को टीचर की स्टूडेंट की इन्फॉमेसन चाहिए तो वो उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रापता करेगा और वहाँ से डाटा लेकर आएगा इसी तरह अगर प्रिंसिपल को ओवरऑल स्टूडेंट्स को टीचर्स को क्लर्कस को देखना है तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होगा और उनसे डाटा लेगा बिल्कुल देखिए ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है रियल वर्ल्ड जैसी सब कुछ हो रहा है कि आप जब एक कॉलेज में होते हैं आप स्टूडेंट होते हैं आप स्टूडेंट हैं तो आपका टीचर के साथ भी आपकी टैसमेंट है टीचर को भी आपकी इनफॉर्मेशन चाहिए आपके पास अपनी इन्फॉमेसन है आपको टीचर से रिलेटेड डाटा चाहिए क्लर्क्स को आपका डाटा चाहिए आपको क्लर्क से कुछ इन्फॉमेसन चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना फीस सबमिशन स्टेटस देखना चाहते हैं आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो डाटा क्लर्क आपको प्रोवाइड कर सकता है इसी तरह आप प्रिंसिपल जो है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉमेसन लेना चाहता है क्लर्क्स के बारे में टीचर्स के बारे में कॉलेज एक्टिविटीज़ के बारे में तो वो सारे के सारे डाटा के ऊपर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है लेकिन अब यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गया कोई ग्लोबल डाटा नहीं है हमारे पास बल्कि हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा है और वो उसके पास कम्बाइ उसके पास हमने उसको एक बॉक्स में समझ लिया हमने बंद किया हुआ डाटा को अब हर ऑब्जेक्ट अपने डाटा के अंदर खुद ही चेंजेस कर सकते हैं और खुद ही उस डाटा को एक प्रॉपर मेथड से एक प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड में, में शेयरिंग या फिर डाटा के अंदर चेंजेस अब नहीं हो सकते अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं ठीक है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंडिंग मैसेजेस सेंड करके एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के डाटा को यूज़ करते हैं जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एनालॉजी लें कि हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है।, है हमारे पास एक ही कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना डाटा है जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के पास सेल्स डाटा है वहाँ पे सेल्स मैनेजर है इसके अलावा वहाँ पे सेक्रेटरी है इसके अलावा पर्सनल डिपार्टमेंट में पर्सनल डाटा है वहाँ पे पर्सनल मैनेजर है और पर्सनल स्टाफ है इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस चीफ फाइनेंस ऑफिसर है और फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर और डाटा है जो स्क्वेयर में है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे पास सर्कल में ओवल uh, में है वो हमारे पास डेटा है ठीक है तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के अपना जो है वो डेटा अपना डेटा और अपने ही उसके ऑब्जेक्ट्स हैं और uh, uh, जो डेटा जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है उसे हमने एक ही सर्कल में एक ही डिपार्टमेंट का हमने उसे पार्ट न एक ही जगह पे हमने उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है ठीक है और अगर इन डिपार्टमेंट्स को जैसे सेल्स डिपार्टमेंट्स को पर्सनल डिपार्टमेंट से कुछ इफॉर्मेशन चाहिए या फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए आपस में इंटरेक्ट करेंगे और अब डेटा की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होगी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को बचाने के लिए हमने रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की ठीक है और हमने डाटा को ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच कर दिया जिसकी वजह से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से हम बच गए अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स देखें तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसमें से कुछ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को जब बनाया जाता है प्रोग्राम में तो उन ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जा सकता है री यूज़ किया जा सकता है अदर प्रोग्राम्स में भी उन्हें यूज़ किया जा सकता है दिस इंक्रीज द री यूजबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ऑन रिटर्न इससे होता ही है कि हमने एक दफ़ा प्रोग्राम राइट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा सारे स्टूडेंट का डाटा और उसके फंक्शंस को कंबाइन करके हमने एक प्रोग्राम के अंदर लिखा फिर वो वाला स्टूडेंट का डाटा और इन्फॉर्मेशन उसकी फंक्शनलिटीज़ को तो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के हिस्से में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को चाहिए तो हम दोबारा स्टूडेंट का सारा डाटा क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि हम उस बने हुए कोड को री यूज़ कराएँगे बाकी सारे के सारे पार्ट्स में जिनको भी उसकी ज़रूरत है सो तो बेसिकली री यूजिलिटी हम हमारे पास एक मेन बेनिफिट्स था इस बेनिफिट था इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स देखें हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टड एक्सेस को हमने रोक दिया अब रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है डाटा के ऊपर अगर हम तीसरा बेनिफिट देखें तो हमारे पास रियल वर्ल्ड मॉडलिंग यहाँ पर हो गई ठीक है जी और डेटा की शेयरिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर मेथड आ गया था प्रोग्राम डिटेन इन ऊप कैन भी इजीली अपडेटे और इसके अलावा एक और चीज़ भी हम देख लेंगे हमारे पास इसको प्रोग्राम को अपडेट करना भी ऊपर के अंदर लिखे हुए बहुत ज़्यादा आसान है क्यों क्योंकि अब हमारे पास डाटा को हमने अटैच कर दिया ऑब्जेक्ट्स के साथ तो अगर हमें कहीं पर भी, भी चेंज करना है तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में और उसके उस स्पेसिफिक डाटा में जाके वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अब हमारे पास उस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या इवन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हमारे पास लोकल ग्लोबल डाटा और उसकी के नहीं है। why, डेटा को मैनेज करना हैंडल करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ठीक है ये जी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एवोल्यूशन के एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास एक्चुअली जो पहली प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स थे जिसमें हमने बात की हमारे पास अन प्रोग्रामिंग दैन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो ये हमारे पास तीनों ओल्ड मैथड्स थे प्रोग्रामिंग के और हर एक के साथ कोई ना कोई ड्रॉबैक्स कोई ना कोई डिसएडवांटेज अटैच था उन डिसएडवान्टज़्स को करेक्ट करने के लिए उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम से दूसरे दूसरे से हम ग्रेजुअली तीसरे और तीसरे से अब हम हमारे फाइनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए हैं जिसके अंदर वो सारे प्रॉब्लम्स जो इन प्रीवियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के साथ थे जैसे कि हमारे पास डेटा का प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लार्ज होना प्रोसीजर्स का प्रॉपरली ग्रुप ना होना और ग्रुप अगर हो गए हैं तो ग्लोबल एंड लोकल डाटा के ऊपर अनिस्ट्रिक्टस का प्रॉब्लम ठीक है और इसके अलावा रियल मॉडलिंग रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का ना होना इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक्चुअली ज़रूरत पड़ी हमें एवोल्यूशन की किसकी एवोल्यूट करने की डिस्कवर करने की कैसे प्रोग्रामिंग पैराडाइम की जो कि अन्स से भी बचाए जो किलाज प्रोग्राम्स को हैंडल भी कर सके जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग प्रोवाइड करे और ऐसी प्रोग्रामिंग हमारे पास ऐसा प्रोग्रामिंग मैथड क्या था ऐसा प्रोग्रामिंग मैथड को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें कौन कौन से उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स उसके कौन कौन से हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल है या जिसकी वजह से हम उसको बेसिकली द मोस्ट बेटर प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम उसे करार देते हैं वो कौन कौन से उसके करेक्टरिस्टिक्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे